السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. कुछ अज़मारों से क़ब्ल आइए हम आप मिलकर इंतहाई एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका और वाहना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसना होना झुमझुम का दरबार का हदिया छोटा बाज बिल पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलहम्दुलिल्लाह वाले जुद वल करम वाले हिल करम अली बाग वसल्लम सलात मसलम अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंद बाग के एक दो शेर में आपके गोश गुजार करो इमाम अल कलाम कराम इमाम से लुत्फ उनका हो ही जाएगा लुत्फ उनका हो ही जाएगा शांत हर आराम हो ही जाएगा
आप तमाम हजरात हर महीने इस माहाना इज्तिमा में जमा होते हैं। मैं आप लोगों के दरमियान पहली मरतबा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। आप लोगों को हर महीने इसी तरह इन महफिलों में शिरकत की इस्तेकामत अता फरमाए, तादाद में इजाफा फरमाए, आपकी तरह दूसरों को भी दीनदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया तो इंसान में अल्लाह ने दो तबीयतें रखी हैं, दो तबीयतें, एक अच्छी एक बुरी। जिसे दूसरे लफ्जों में कहें तो अल्लाह ने हर इंसान को एक नफ्से लवामा अता फरमाया, एक नफ्से अम्मारा अता फरमाया। नफ्से अम्मारा काम ही ये है बंदे का कि बुराई की तरफ ले जाओ, बुराई की तरफ ले जाओ, बुराई कराओ, गुनाह कराओ, गुनाह कराओ। वो गुनाहों को, बुराइयों को सजा सजा कर पेश करता है, सजा कर पेश करता है। आप खुद अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सालों पहले, 50-100 साल पहले आप चले जाए तो नाचना ये सिर्फ नचनियाओं का काम था, उसकी एक मखसूस कम्युनिटी होती थी नाचने वालों की। शादी में बुलाते थे नाचने के लिए, लेकिन वो कम्युनिटी को, तो आना नाचने, वो नाचते। घर की शरीफ लोग औरतें तो दूर की बात था, मर्द भी नहीं नाचते थे। लेकिन अब आज के दौर में 2023 में आप बैठे हुए हैं, हाल क्या है, मर्द औरत सब शुरू हो जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता नाचने के लिए कि भाई तू आना हमारे घर, शादी है, महफिल है, तो नाचने आना, नहीं, खुद ही शुरू हो जाते हैं। बाकायदा प्लानिंग चलती है, इस गाने पर ऐसा ऐसा डांस करना है, प्लानिंग होती है। बारात ले जा रहे हैं तो बारात ने पहले चेक कर लेना बस में टैप रिकॉर्ड है कि नहीं है, स्पीकर लगे हुए कि नहीं है, आप पहले चेक कर, वरना तो यार इतना दूर जाना मजा ही नहीं आएगा, तो गाने तो होने चाहिए। तो गानों के बगैर तो सफर बारात का, यार शादी में गाने ना हो तो शादी शादी कैसी है, एक तसव्वुर। तो अगर किसी यंग, कभी ऐसा होता है कि कोई यंग दो तीन बस करवाई ना, एक बस का स्पीकर खराब था, तो फिर देखने लायक होते उनके मुंह, वो जो फंस गए, लगा तो था मस्त, तो स्पीकर तो जोरदार लगे हुए हैं, जब बस चलने लगी फिर पता चला तो जो सामने टीवी लगी वो भी नहीं चलती है, जो स्पीकर लगे वो भी खराब है, फिर जो मूड और दिमाग खराब होता है बंदों का। ये क्यों है? इसलिए कि अब हर बुराई, हर गुनाह सजाकर पेश किया गया, ये अच्छा काम शुमार किया जाता है, यार इसके बगैर तो चलता ही नहीं है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होना, हमारे मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा बन गया कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पहले दुनिया में लोग मोबाइल के बगैर जीते थे कि नहीं जीते थे? जीते थे, जिंदगी आसान थी। अब मोबाइल के बगैर एक सेकंड काम नहीं चलना है। बंदा कभी भूल भी गया ना घर पर, नमाज पढ़ने जा रहा था, भूल भी गया तो आधे रास्ते से पलट कर आ गया, मोबाइल रह गया, अच्छा नमाज पढ़ के आ गया, नहीं नहीं यार मोबाइल, हो सकता है किसी का कॉल आ जाए, हो सकता है मैं थोड़ा बाहर ही रह लूं, अगर मोबाइल घर रहा तो वापस फौरन घर आना पड़ेगा, और जेब में है मोबाइल तो फिर मैं आधा एक घंटा बाहर भी घूम सकता हूँ। तो अब मोबाइल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। पहले इल्म हासिल करने के लिए कई हजार किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता, कई सौ किलोमीटर दूर पैदल चलकर। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने ऐसे सफर किए, और वो भी कैसे, भूख से तड़प रहे हैं, खाना नहीं है, मैसर धूप में चल रहे हैं, जूता फट गया तो पैर से खून बह रहा है, लेकिन सफर जारी है। क्यों? इल्म हासिल करना है। अब घर घर इल्म आ गया है, मस्जिद मस्जिद की इल्म आ गया, मदरसे पर मदरसे कायम हुए, मकतब पर मकतब, बच्चों को भेजो, खुद तो इल्म नहीं हासिल किया, बच्चों को तो सिखा, पर बच्चों को भी भेजने में सुस्ती, स्कूल ट्यूशन टाइम पर, लेकिन मदरसा चलता है, चलता है। ये सिस्टम हमने खुद अपने लिए बनाया, हमने बनाया।
तो अल्लाह ने हर इंसान को एक नफ्स अम्मारा अता फरमाया, एक नफ्स लवामा। ये अम्मारा ये सजा सजा कर पेश करता है, बंदे को अंदर से उभारता है, चल चल इधर चल, ये देखो जोरदार, ये जोरदार फिल्म लगी है, अकेला नहीं जाएगा, दोस्तों भी साथ में लेकर जाएगा, खुद तो बुरा था हाँ दूसरे को भी, चल बहुत जोरदार मूवी आई है देखेंगे, चल दिए बंदे। और ये ऐसे ये काम ऐसे भी है ना कि इसमें बड़ा मजा आता है। आप कह दो कि प्रोग्राम में 3 घंटा बैठना है आपको, तकरीर 3 घंटा होगी, 3 घंटा ना तो तकरीर होगी, देखो कितने आते हैं, लेकिन वही 2.5-3 घंटा अगर थिएटर में निकालना, ओ यार कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, क्यों क्यों? इसलिए कि वो नफ्से अम्मारा, वो अपना काम कर रहा है, उसको सजाकर आपके दिमाग में डाल दिया, जोरदार मजेदार टेस्टी, तो आप उसी में लगे हुए हैं। आप खाना खाने में जहां मजेदार दिख रहा था आप पहुंच गए, आपने हलाल हराम का फर्क नहीं देखा, आपने सोचा नहीं कि ये कौन सी होटल किसकी होटल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हाईवे से जा रहे थे अजमेर, जा रहे थे अजमेर, लेकिन ख्वाजा के दुश्मन के होटल में जाकर तोड़ना शुरू कर दिया, जा रहे थे अजमेर ख्वाजा की बारगाह में, लेकिन बैठ गए किसकी होटल में, भाई वेजिटेबल खाते तब तक तो ठीक था, लेकिन वेजिटेबल क्या सफर में हजम किसको होता है, तो चाहिए तो चिकन मटन ही है ना, तो हम तो दे यानी आओ देखा ना, तो बैठ होटल है मस्त जोरदार बनाता है, बैठ गया तोड़ने, हमने देखा ही नहीं कि हलाल है या हराम है। आप अंदाजा करें, नहीं मुझे एक बात याद आई, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अजीम मुहदीस बड़े अजीम फकीह हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अब्दुल्लाह के वालिद मुबारक गुलाम थे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तो बड़े यानी के आलिम फकीह मुहदीस इमाम आजम के शागिर, इमाम आजम के शागिर, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के वालिद मुबारक ये काजी शुरैह के गुलाम थे, काजी शुरैह के गुलाम हैं, उनके यहाँ काम काज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे घर का काम करते हैं, लेकिन नमाजों के बड़े पाबंद। काजी शुरैह से कहा हुआ है कि भाई नमाज के वक्त मुझे हाँ कोई काम नहीं देना, कहा ठीक है, वो जाते काम करते। अब काजी शुरैह की एक लड़की थी, बड़ी हो गई शादी लायक, जब शादी लायक हुई तो सोच रहे काजी शुरैह कोई ऐसा रिश्ता ऐसा लड़का तलाश करूं कि जो बड़ा दीनदार हो। आजकल लोग रिश्ता तलाश करते अपनी लड़कियों के लिए तो कैसा, मालदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दीन तो कोई देखता ही नहीं, दीन कोई नहीं देखता, हर कोई क्या देखता है, नॉट पानी ज्यादा होना चाहिए, बंगला गाड़ी होनी चाहिए, मेरी बेटी जाए तो ऐशो आराम की जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन अंदाजा करे वो ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी में जा तो रही है, उसको खाना तो नहीं पकाना पड़ेगा, उसको काम काज तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको चैन और सुकून भी कभी नहीं मिलना है, चैन और सुकून भी नहीं मिलना। तो कहने की बात है, पहले के जमाने में लोग दीन देखते थे, आजकल के जमाने में लोग दुनिया देखते हैं कि दुनिया कैसी है, वो डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए, मौलवी है आलिम है, ये क्या कमाएगा, इसको क्यों दें, जबकि आप कभी सर्वे करना, लोग बहुत सारे सर्वे करते हैं, कभी मैं अपनी तरफ से यानी आपको दिमाग देकर जा रहा हूं, कभी ये सर्वे करके देख लें कि दुनिया में जो डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं उनकी बीवियां और जितने उलमा हाफिज हैं उनकी बीवियां दोनों में कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा खुश है, ये सर्वे करके देखिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा, कमाता कम है लेकिन खुश बहुत ज्यादा रखता है, कमाता कम है लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा है, कभी इसकी बीवी को जबान पर कोई बात लानी नहीं पड़ती, उससे पहले पूरा कर देता है, उसकी बीवी जो कहती है करना है। अच्छा फिर बीवी को भी उसकी सोहबत मिलती है ना, आलिम हाफिज की सोहबत मिलती है तो अल्लाह भी सब्र अता कर देता है, अल्लाह भी सब्र अता करता है। अब वो आती है तो फिर वो भी देखती है मेरा शौहर इतनी मेहनत करके इतना कमाता है, उसकी इतनी है तो मैं भी लिमिट में रहूं। अब वो 25,000 का ड्रेस नहीं खरीदेगी, वो कहेगी 1,500 में चल जाएगा, और मौलवी कहेगा नहीं यार 5,000 ये बहुत जोरदार ये ले रहे, नहीं 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 वो पहले लेवल देखेगी, 5,000 नहीं 5,000 ये नहीं लेना, दूसरा क्यों, अल्लाह ने सब्र दे दिया है उस बंदी को, ये अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। तो पहले लोग दीन देखते थे, अब दुनिया देखते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के वालिद मुबारक अपनी बेटी के लिए रिश्ता, काजी है, काजी का मतलब जज, आप सोचें भाई वो यानी के डिस्ट्रिक्ट जज है,
डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी कितनी वैल्यू है। तो अब ये भाई जज है और आप अपनी बेटी कूफा के जज हैं, तो भी अपनी बेटी का निकाह तो अच्छा खानदान तलाश करना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े उमरा, मालदार घर के रिश्ते, वज़रा के रिश्ते आ रहे हैं, आपकी बेटी से हमारा रिश्ता, आपकी बेटी से नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मैं देखूंगा अपनी बेटी के लिए। अब निकले एक दिन क्या, कोई तो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना ऐसा जो दीनदार हो। तो अब गए मस्जिद, मस्जिद के चक्कर लगा रहे, फजर में यहाँ, जोहर में वहां, असर में यहाँ, मगरिब में यहाँ, ईशा में यहाँ, चक्कर मस्जिद के, कूफा की मस्जिदों के चक्कर लगा रहे कि कोई तो मस्जिद में दीनदार दिख जाए, कोई तो मिल जाए। एक दिन एक मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखा सारे नमाजी नमाज पढ़कर चले गए, लेकिन नवाफिल की कसरत एक बंदा कर रहा है, ईशा की नमाज के बाद खड़ा हुआ है, ये भी बाहर खड़े के निकले तो देखूं कौन है, लेकिन वो बंदा खड़ा है तो खड़ा है, फजर ही में निकला है, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहा। काजी शुरा कहते हैं बंदा बड़ा काबिल, चलो देखते हैं कौन। तो वहीं पर फजर की नमाज अदा की, फिर मुलाकात की तो पता चला मेरा गुलाम मुबारक है, मेरा गुलाम मुबारक। आपने कहा तेरी शादी हो गई है घर में गुलाम, लेकिन पता नहीं है कब शादी हो गई। क्या मैं तो गुलाम हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। क्या मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरी बेटी से शादी करेगा, क्या आपकी बेटी, अरे आपके यहाँ तो बड़े बड़े रिश्ते आते, मैं क्या, मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कोई बात नहीं, मैं दूंगा, मकान भी खुद दिया, महीने का खर्च भी खुद दिया, और कहा कि मैं मेहर की रकम भी खुद दे दी, कि मेहर की रकम देना, ये मकान, ये वलीमे का खर्चा, ये सब कुछ दे दिया। और देखा कहा कि तू अब आ जा मेरे घर, मेरी बेटी से निकाह कर, मुबारक पहुंच गए, शादी हो गई। अब शादी हो गई, दोनों दूल्हा दुल्हन अपने घर में। कुछ दिन के बाद लड़की अपने घर आई, अपनी माँ के कान में, भाई बेटी आती है तो माँ के काना फुसी शुरू हो जाती है, माँ बेटी की। अब अगर माँ बेटी के काना फुसी ना अच्छी बातों में हो तो बहुत अच्छा, लेकिन इधर की उधर, उधर की इधर करने में हो ना, तो घर बर्बाद होने के सिवा कुछ भी नहीं। अब आ गई, उसने बताया सारे हालात बताए, तो अब वो भी परेशान। अब उसने माँ ने जो है ना काजी शुरा से बात की कि भाई बात बड़ा मसला गंभीर है, क्या हुआ। बेटी का कहना है कि मुबारक से जब से शादी हुई, मुबारक करीब नहीं, पूरी रात नमाज से पढ़ता रहता है, बेटी के पास गया ही नहीं, और सारे मामला ठीक था, खिलाता पिलाता अच्छे से रखता है, लेकिन रात में कभी करीब नहीं गया, बिस्तर पर नहीं गया, वो तो नमाजों में लगा रहता है। अच्छा ऐसा है, ये तो बड़ा मसला गंभीर है, चलो देखते हैं। गए बात की, है मुबारक, क्या बात है, कोई परेशानी है। क्या नहीं कोई परेशानी नहीं, तो मेरी बेटी को सही से रखते हो कि नहीं। अब बिल्कुल अलहमदुल्ला, पूछ लो कोई शिकायत हो तो। क्या शिकायत है, इसीलिए तो आया, शिकायत है। क्या क्या शिकायत है, क्या मेरी बेटी का कहना कि तुम उसके करीब नहीं गए, अब तक इतने दिन हो गए शादी को, अब तक तुमने उसे करीब यानी गुर्बत नहीं की। तो मुबारक ने कहा वो बात सही है, तो कहा वो क्यों, मेरी बेटी में कुछ कमी है। कहना आपकी बेटी में कुछ कमी नहीं है, अलहमदुल्ला बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 40 दिन के बाद। कहा क्यों, 40 दिन के बाद क्यों, कैसे कि आप तो जज हैं, कूफा के बड़े जज हैं, पता नहीं लोगों ने आपको रिश्वत दी हो, आपने वही अपनी बेटी को खिला दिया हो, एक लुकमा जो इंसान के जिस्म में जाता है वो उसके जिस्म में 40 दिन तक रहता है, हो सकता है उसने हराम का लुकमा खाया हो, वो 40 दिन तक उसके अंदर रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी हलाल की कमाई मेरी बीवी खाए, और जब उसे हमल ठहरे तो वो उसके पेट में आने वाला बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ हलाल की कमाई खाने वाला। मेरी बीवी के जिस्म में हराम का एक कतरा भी ना हो, तो मैं चाहता हूं कि 40 दिन के बाद सिर्फ जब सिर्फ मेरी हलाल की कमाई का खून उसकी रगों में होगा तब मैं उससे सोहबत करूंगा। काज़ी शुरा ने कहा भाई के बंदा कमाल का, जब ये कमाल और ये दीनदारी हो तो फिर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जैसा अजीम फकीह और मुहद्दिस पैदा होता। पहले दीन देखा जाता था, और दीन हासिल करने के लिए लोग बड़ी परेशानियां उठाते थे, सफर करते जूता फट गया तो खून नहीं कर रहा। एक मुहद्दिस थे, उनका नाम था है ना महमूद इब्ने अम्र ज़मखशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, बड़े फकीह हैं। आप अपना वाकया बयान करके, इल्म हासिल करने में जा रहा था और निशापुर जाना था, निशापुर ईरान के शिमाल में बहुत दूर, और वो निकले हैं यहाँ बगदाद से, हजारों किलोमीटर का फासला है, बगदाद इराक में है, ईरान के निशापुर तक जाना है।
और बर्फ का, यानी ठंडी का मौसम है तो बर्फबारी हो रही है। कहते हैं इतनी बर्फबारी कि बर्फबारी की वजह से मेरा एक पैर जम गया, सुन हो गया। मैंने डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने कहा काटने के सिवा कोई चारा नहीं है, काटना पड़ेगा। कहते वो पैर मेरा काट दिया गया, मैं एक पैर से महरूम हो गया। लेकिन मैंने वहां के लोगों से लिखवा लिया, भाई मैं एक कागज, मैंने लेटर लिखवाया कि भाई मैं ये बर्फ की वजह से जम गया था, इसलिए मेरा पैर काटा गया, लिख दो कि ऐसा ना हो इल्म हासिल करके वापस जाओ, लोग हो सकता है कोई कांड किया होगा तो पैर काट दिया गया, कोई गुनाह जुर्म किया होगा तो इसका पैर काट दिया गया, लोगों का एतबार उठ जाएगा, लिख दो। और कुछ लोगों से दस्तखतें करवा ली और फिर पहुंचे और इल्म हासिल करके जब वापस पढ़ते तो लोगों को बताते थे कि भाई ये पैर किसी जुर्म में नहीं, इल्म हासिल करने में कटा है, इल्म हासिल करने में कटा। एक मुहद्दिस, उनका मैंने वाक्य पढ़ा ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मुहद्दिस फरमाते हैं कि हम बगदाद में इल्म हासिल करे, बगदाद बड़ी अजीम शान इल्म का मरकज और शहर था, अजीम यूनिवर्सिटी निजामिया, कहते हम इल्म हासिल कर रहे थे ना। अब ये आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज हैं दारुलूमों में भी, दारुलूम में भी बड़ी फैसिलिटीज है, वही खाना, वही पीना, वही सोना, सारा खर्च, घूमना फिरना पढ़ना सब कुछ एक ही जगह हो रहा है, कमरा दिया जा रहा है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस जमाने का हाल यह था कि एक जगह उस्ताद भी नहीं मिलते थे, एक उस्ताद यहाँ बैठ कर पढ़ाता है तो दूसरा उस्ताद वहां बैठ कर पढ़ाता है, तीसरा वहां पढ़ाता है, चौथा वहां पढ़ाता है, कोई कुरान की तफसीर पढ़ा रहा है, कोई हदीस पढ़ा रहा है, कोई नहू पढ़ाता है, कोई सर्फ पढ़ाता है, कोई यानी कि बलाघा पढ़ा, हर कोई अलग अलग फैकल्टीज का अपनी अपनी क्लास लेकर बैठा है और कोई बुलाने वाला नहीं, जिसको पढ़ना हो आकर पढ़कर जाए, पढ़कर जाए। कहते हमने फिक्स किया था कि सुबह उनके पास पहले जाएंगे, वहां से वहां चले जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां। हम ऐसे एक से दूसरी दरसगाह में पढ़ते जाकर पढ़ते, एक कमरा ले लिया था छोटा सा, उसमें रहते थे हम, चार पांच लोग थे, हम साथ में रहते थे। कहते एक दिन हम मार्केट जा रहे थे, यानी मदरसा जा रहे थे सुबह सवेरे, मछली बिक रही थी, मछली बिक रही थी, तो दिल में ख्वाहिश हो गया मछली खाई जाए, बहुत महीने क्या साल हो गए मछली नहीं खाई, मछली खानी चाहिए, तो मैंने खरीद ली कि चलो मछली ले जाते पकाएंगे खाएंगे, तो मैंने मछली लेकर रख दी कि फिर दरसगाह से आऊंगा तो पकाएंगे। एक दरसगाह के बाद दूसरी का टाइम हो गया, दूसरी के बाद तीसरी, सोचा एक आध उस्ताद थोड़ा लेट होगा या कभी गैर हाजिरी होगी तो पका लेंगे, सारे असासा मौजूद थे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए, अब तो मछली से बू आने लगी, लेकिन हमको खाना पकाने का टाइम नहीं मिला, इल्म हासिल करने में खाना मछली सेकने का पकाने का हमें वक्त ना मिला। अब तीन दिन बास आने लगी, हमने कहा यार अपने नसीब में पकी हुई नहीं है, कच्ची खा लो, हमने कच्ची मच्छी खा ली और वैसे ही पढ़ने चले गए, इससे कि टाइम हो रहा था दरसगाह का, हमने ऐसे इल्म हासिल किया। तो उस जमाने में ऐसे इल्म हासिल किया जाता था, तीन हदीस हासिल करने के लिए लोग कई सौ किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर का सफर करते, तीन हदीस हासिल करने, एक हदीस हासिल करने, हजारों किलोमीटर का दूर का सफर, मदीने से बंदा मिस्र तक सफर करता सिर्फ एक हदीस सीखने के लिए। अल्लाह के रसूल ने इसलिए इरशाद फरमाया था, मन सलका इल्मन, जो इल्म की राह चला, अल्लाह मन सलका यल्तमिसु इल्मा, जो इल्म तलाश करने के लिए किसी राह पर चला, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान कर देता है। अब तो इल्म हासिल करना बड़ा आसान हो गया, लोग घर घर आकर सिखाने लगे, चौक दर्स होने लगे, मस्जिद दर्स होने लगे, लेकिन हमें हम हैं कि हम सुधरने का नाम नहीं लेते, हम सुधरने का नाम नहीं लेते, हमें इल्म हासिल नहीं करना, हमें दूर भागना है, दूर नहीं, ये सीखेंगे तो फिर हमको सुधरना पड़ेगा और सुधरने का नाम हमें आता नहीं। हालांकि आप अंदाजा करें, ये हमें, हम जितने भी यहां जितने बैठे हैं ना, सबके सब मुसलमान पैदा हुए होंगे, एक भी ऐसा जिसने इस्लाम कबूल किया है अपनी मेहनत से, सब मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए तो हम मुसलमान हैं, और जब मुसलमान हैं तो इस्लाम की कोई कदर कीमत नहीं है, पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, कब्र तक पहुंच गए, हमने इस्लाम के लिए ना कुछ किया ना अपने लिए किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था क्या, तुम
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। न हमने अपने आप को बचाया न अपने घर वालों को बचाया, हम भी जहन्नम की राह पर अपने घर वालों को भी उसी राह पर लगा दिया, उसी राह पर लगा दिया। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हम सुधरते क्यों नहीं? लोग हर जुमा को खिताब हो रहा, तकरीर होती है, हर महीना तकरीर होती है, लोग इस्लाह करते हैं, लेकिन हम इस्लाह कबूल नहीं करते। मुबल्लिगीन यानी गश्त पर गश्त करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम वो के वही जैसे थे वैसे के वैसे। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी हमने गौर किया? चूंकि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, मुसलमान थे, बड़े भी मुसलमान हुए, हमें इस्लाम की कदर नहीं है। आज भी आप अमेरिका इंग्लैंड में जाएं, वहां के मुसलमानों को देखें जो नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमान होते क्यों? उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम की कोई खूबी देखी, उन्होंने इस्लाम का की स्टडी की, इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम को कबूल किया। और जब इस्लाम कबूल किया तो अब इनका हाल यह है कि वो इस्लाम को सर आंखों पर रखते हैं, इस्लाम सर आंखों पर रखते हैं। पहले शराब पीते थे लेकिन शराब छोड़ दी, पहले गुनाह के कामों में मुलव्वस थे, गुनाह छोड़ दिए, पहले क्लब की लाइफ में थे, अब क्लब छोड़ दिया, पहले ये ड्रग्स लेते थे, अब ड्रग्स यूज करना छोड़ दिया। इन्होंने ये सारे काम सिर्फ दीन इस्लाम के लिए छोड़े हैं, इस्लाम कबूल किया, छोड़ दिया। वो नंगियां घूमती थी, हिजाब में आ गई और हिजाब पर फख्र करती है। अब इनसे कह दो यार आप तो शराब पीते थे, अब पियो, क्या मसला है? नहीं, वो फौरन अपना हाथ सीने पर रखकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ये सीने पर हाथ रखकर उसने जो ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, आप खुद अंदाजा करें आपने अपनी लाइफ में कितनी बार कहा किसी को कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। किसी गुना अगर किसी ने आकर आपसे कहा कि चलो फला मूवी लगी है मूवी देखने चलो, कभी आपने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, वो हराम काम नहीं करता? आपसे किसी ने कहा चलो 31st की न्यू ईयर पार्टी में आप में से कितने हैं कि जिन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ मैं ये काम नहीं करता? यहां तो हाल ये है कि यहां 31st की पार्टी मनाई मनाने जाना है, मैं तो वहां जाने वाला हूं, दूसरा मिल गया वहां जाएगा, चल वहां वो जोरदार पार्टी है, वहां जोरदार होने वाली है, वहां ज्यादा लोग जमा होने वाले हैं, तो वही इधर से पार्टी उधर बदल दी, इधर से उधर, इधर के पास हासिल कर उधर के, एक हफ्ते से लगे हुए हैं, हफ्ता भर से लगे हैं, वहां के पास मिलने चाहिए, वहां के पास टिकट मिल जानी चाहिए। लोग रुपया खर्च करके गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सरकार इशारा फरमाते हैं तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि शमा के इर्द गिर्द परवाने, शमा के इर्द गिर्द परवाने। ये देखिए आप मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती या आप बारिश के मौसम में देखेंगे लाइट की तरफ कीड़े खींचे चले आते हैं, लेकिन कभी लाइट गई मोमबत्ती जलाई कीड़े आना शुरू हो गए, कीड़े आने शुरू हो गए, आप उनको कितना भी रोको वो जाएंगे आपकी तरफ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारी मिसाल शमा के इर्द गिर्द परवानों की तरह है कि तुम दौड़ दौड़ कर जहन्नम में गिरना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें खींच रहा हूं जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें जहन्नम से बचा लूं, कमर पकड़ कर खींचता हूं, लेकिन तुम हो के खींचे चले जा रहे हो, तुम जहन्नम में गिरने की तैयारियां कर रहे हो। हम अपने मुआशरे को देखें, अपने मुआशरे का हाल हमने क्या कर लिया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लामी मुआशरे की बुनियाद जो मुस्तहकम और मजबूत बुनियाद रखी वो उहुवत पर रखी थी, भाईचारगी पर रखी थी, खैर ख्वाही पर रखी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं आज मुसलमानों को भाई भाई बनाता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, याद करो पहले तुम लड़ाई झगड़ा करते थे, आपस में खून के प्यासे थे, तुम जान के दुश्मन थे, अल्लाह के एहसान की वजह से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया है। ये औसो खजरज की बात है, अंसार के दो कबीले औसो खजरज जो आपस में दुश्मन थे, अल्लाह के रसूल ने दोनों को भाई भाई बना दिया है। लेकिन कमाल तो तब हो जाता है जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए हैं ना, जब मदीना आए हैं और सरकार ने फरमाया मुहाजिरीन खाली हाथ हैं, मक्का में सब छोड़ कर आए हैं मदीना, यहां इनके पास कुछ नहीं, इनका सिर्फ अपना जिस्म है और जिस पर जो कपड़ा है बस वही है, उसके बावजूद हाल ही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनका कुछ तो इंतजाम
इंतजाम करना चाहिए ना, क्या इंतजाम होगा इसे, इस अंसारी का भाई, इस मुहाजिर को, इस अंसारी का भाई, इस मुहाजिर को, इस अंसारी का भाई, मुहाजिरों और अंसार में भाईचारगी कायम की है, भाईचारगी कायम कर दी। और भाईचारगी कायम करने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अंसारियों, तुम पर अपने मुहाजिर भाइयों का खर्चा, नफका, उनकी देखभाल सब कुछ तुम्हारे जिम्मे है। अंसारी में से किसी की भी पेशानी पर बल नहीं आई, ये क्या हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, कमाएंगे हम, खिलाएंगे इनको, मकान हमारा रखेंगे इनको, उनकी पेशानियों पर बल नहीं आए, बल्कि वो हंसते मुस्कुराते करे, भाई आ जा, चल मेरे घर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। अच्छा ले गए, उनमें से एक तो ऐसे निकले, अब्दुल रहमान इब्ने औस के जो भाई बनाए गए, वो तो कहते हैं बुदरदा, वो तो कहते भाई एक काम कर, देख मेरे पास दो घर हैं, आधा आधा कर दे, घर तेरा एक घर मेरा, मेरा जितना सामान है आधा कर दे, आधा तेरा आधा मेरा, मेरे पास दो बीवियां हैं, मैं एक को, तू पहले तू पसंद कर ले, दो बीवियां हैं, पहले तू पसंद कर, तुझे जो पसंद होगी उसको मैं तलाक दे दूंगा, तू शादी कर लेना। कोई है जो अपनी बीवी की कुर्बानी दे दे, वो भी वो, ये नहीं कि मैं, ये मेरी पसंद वाली है इसको मत लेना, इसको मत लेना, नहीं तुम पसंद करो, और तुम्हें जो पसंद आए वो तुम, मैं उसे तलाक दूंगा, तुम रख लेना, तुम निकाह कर लेना। हाँ जब हमारे जैसे हो ना तो फ्री का माल मिल रहा है, खाओ, फ्री का मिल रहा तो हड़प करते जाओ। अगर कोई हमको अपने बंगले में फ्री में आधा बंगला दे दे तो इसमें से कौन है जो कहेगा नहीं नहीं तेरा बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ काम पर रख ले अपनी दुकान पर, ऐसा कौन कहेगा। हम तो कहेंगे भाई दुकान पर नहीं रखेगा चलेगा, आधा बंगला मिल रहा है, हम वो हैं। लेकिन अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते भाई तू अपना सारा सब कुछ अपने पास रख, मुझे तो सिर्फ ये बता कि बाजार का रास्ता कहाँ है, तू मुझे बाजार बता। उन्होंने ले जाकर बताया ये बाजार है, ये मदीने का बाजार है, ये बड़ा अजीम शान बाजार है। कहा ठीक है अब आपने घर जाओ। अब्दुल रहमान इब्न औफ पहुंचे जंगल, लकड़ियां काटी और लकड़ियां काट कर आए, अल्लाह आए बाजार में, लकड़ियों का गट्ठा रख दिया और बेच रहे हैं, लोग लकड़ियां खरीद कर ले जा रहे हैं, थोड़ी सी थोड़े दिन लकड़ियां बेची, कुछ रकम जमा हुई तो घी खरीदा, पनीर खरीदा, वो लेकर खड़े हो गए मार्केट में, वो बेचना शुरू, कारोबार बढ़ता जा रहा है। अब घी पनीर का कारोबार इतना बड़ा कि फिर एक वो दिन आया कि अब्दुल रहमान इब्न औफ मदीने के बड़े मालदारों में शुमार होने लगे। अब सिर्फ मदीने की दुकानों से खरीदते नहीं, अब मुल्क शाम से घी और पनीर खरीद कर लाते हैं और यहां लाकर बेचा करते हैं, वहां से तेल लाते हैं यहां लाकर बेचते हैं, बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन बड़े मालदार हो गए। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ, अल्लाह जैसी नियत हो वैसी बरकत अता फरमाता है। आप नियतें तो अच्छी कर लें, किसी का रिस्क है ना कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ने जितना रिस्क दिया आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारका सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का रिस्क उसके पीछे ऐसे ही भागता है जैसा बंदा रिस्क के पीछे भागता है। रिस्क बंदे के पीछे पीछे आता है, तुम चाहे जैसे कहीं चले जाओ तुम्हारा रिस्क तुम्हें मिलकर रहेगा, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। तो अब बात यह है कि तुम हराम तरीके से कमाते हो या हलाल तरीके से कमाते हो यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने फिक्स किया, जितना अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप देखें मैंने लड़की की बात की ना अब्दुल इब्ने मुबारक की, आप हज़रत अली को देख लें, सरकार सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, सल्तनत इस्लामिया के अजीम शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह, वो कैसर रूम जिनसे कांपा, वो किसरा जो हलाको बर्बाद हो गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक खत था, सिर्फ एक खत के कैसर ने पढ़ा और पढ़कर उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब मेरे इन दो कदमों की जगह के मालिक होने वाले हैं। वो कैसर था, रोम का अजीम शान बादशाह, हरक्यूलस जिसे कहते हैं, हेरक्ल है ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसे हरक्यूलस कहते हैं। वो हरक्यूलस दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بسم اللہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ وہ شہنشاہ ایسے کہ اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو دو پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں لیکن میں نے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے تو سرکار نے اپنے گھر کے لیے اپنی بیٹی کے لیے داماد کیسا پسند کیا ہے داماد کیسا پسند کیا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت علی مالدار نہیں چاہتے تو عبد الرحمن ابن عوف سے نکاح کرواتے اور بھی بڑے بڑے مالدار موجود تھے مدینے کی دنیا میں کہ جن سے سرکار چاہتے تو نکاح کروا دیتے مکہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے رشتے آ رہے تھے بڑے بڑے سرداروں کے لیکن سرکار نے نہیں فرمایا لیکن جب مدینے منورہ آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صدیق اکبر نے پیغام دیا سرکار نے رد فرما دیا عمر فاروق نے پیغام دیا سرکار نے رد فرمایا سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ علی آئے ہیں سرکار فرما اے علی ابھی جبرائیل آئے تھے حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں کر دیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں زمین میں تمہارا نکاح کر دوں تو اللہ کی پسند اور رسول اللہ کی پسند محبوب کی بیٹی فاطمہ کے لیے وہ علی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں سرکار کے گھر میں رہتے تھے کہ وہ ایک زرہ بیچی اور بیچ کر جو رقم آئی اس سے انتظام کیا مہر کا فرماتے ہیں یا رسول اللہ نکاح تو ہو گیا لیکن رہنے کے لیے گھر نہیں ہے میرے پاس ایک صحابی دیکھیں بھائی شارگی یہ مسلمان ایک صحابی مدینہ یعنی مسجد نبوی کی لائن میں ان کا گھر تھا مکان تھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک کمرہ یہاں بھی ہے میں نے علی کو دے دیا میں نے علی کو دیا یہاں ضرورت مندوں کی ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھ کر پوری کی جاتی ہے تو پھر یہ اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دین نصیحت خیر خواہی ہے خیر خواہی تو ہر ایک کی بھلائی چاہیں ہر ایک کی بھلائی چاہیں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگے آج کل ہمارا حال یہ ہے دوسرے ہمیں کیا دبائیں گے ہمارے اپنے ہمیں دبانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے دبانے میں لگے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے یہ تعاون کس چیز میں ہونا چاہیے بر و تقویٰ میں التعاون علی البر و تقویٰ تقویٰ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے اللہ نے سرکار کے زمانے کے مسلمانوں کی اور خود سرکار کی جو تعریف قرآن میں بیان فرمائی اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جتنے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کفار پر بڑے سخت ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں یہ اپنے ایک دوسرے بھائیوں کے لیے خون کا رشتہ نہیں خون کا رشتہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمان کا رشتہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار جان قربان کرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے بڑے مالداروں میں سے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار شخص خاندان اتنا مالدار ہے کہ آپ نے کبھی بھی محنت مزدوری کا کام نہیں کیا مشقت کا کام نہیں کیا کوئی سامان کبھی اٹھایا نہیں کپڑا بھی تیار پہننے کو مل جاتا غلام پہناتے نرم و نازک لباس ہمیشہ پہنا نرم و نازک جوتے چپل استعمال کیے ناز و نعم میں پڑے کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں رہنا سکون آرام سے رہنا لیکن پھر ایک دن کانوں میں اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے اسلام کا پیغام اسلام کی دعوت آئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا ماں کو پتا چلا ماں کو پتا چلا تو ماں نے بیٹے کو بولے مصعب میں نے سنا تو نے اسلام قبول کر لیا ہاں ماں میں نے اسلام قبول کر لیا بڑا پیارا مذہب ہے تو بھی کر تو بھی کر کہنے نہیں میں نہیں کرتی لیکن سن تو نے اپنے معبودوں کو ناراض کیا ہے تجھ پر قہر لازم ہوگا پلٹا ڈر ان کے قہر سے ہے نا تجھ پر غضب نازل ہوگا عذاب آئے گا ہاں تو مصعب نے کہا کچھ نہیں ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے اپنے اوپر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے
ये कुछ नहीं कर सकते, मैं तो इस्लाम लाया, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बेटा सुन, अगर इस्लाम नहीं छोड़ा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। कहा ठीक कोई बात नहीं, निकाल दो, कोई मसला नहीं। कहा सिर्फ घर से नहीं, जायदाद से बेदखल करूंगी। कहा कर दो, मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। माँ ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। माँ कहती है बेटा, यानी अब जा रहे हैं, ठीक है चलो मैं जाता हूँ। कहा बेटा रोक। कहा माँ, क्या ये जो कपड़े पहने ना, वो भी मेरे हैं, मेरे पैसों के हैं, अब वो भी तो निकाल। हाँ तो सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक कोने में गए, वो कप लिबास उतार दिया, टाट जिसे हम बोरी कंटान कहते हैं, वो टाट उठाकर लपेटा और लपेट कर निकल खड़े हुए हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, उसका था या रसूलुल्लाह, सरकार फरमाया मुझसे ये क्या हाल है। कहा या रसूलुल्लाह मेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया, मैं छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया। सरकार फरमाते हैं मुसाब बहुत बेहतर सौदा किया है, अपना घर छोड़कर जन्नत खरीदी है, जन्नत खरीदी। जब हिजरत हुई ना, मदीना आ गए, ये टाट लपेटे हुए आ रहे हैं, सरकार अपने साहबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, और मुसाब इब्न उमैर दूर से टाट लपेटे हुए आ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं ए लोगों जानते हो ये शख्स, इस शख्स को मैंने नाजो नाम में नेमतों में पलता हुआ भी देखा है, आज मैं इसे टाट लपेटे हुए देख रहा हूं। जानते हो ये चलता मदीने की गलियों में है, लेकिन ये जन्नत में सैर करता है। ये मुसाब इब्न उमैर की शान है, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत, अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। अशरे मुबशरा में से नहीं है, लेकिन इनके लिए भी जन्नत की बशारत है। सरकार फरमाते हैं ये टाट लपेट कर इसने जन्नत खरीदी है। अब ये मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये कितनी मशक्कत से इस्लाम हासिल किया। हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। तो उन्होंने पत्थर सहकर, मार खा खा कर अहद अहद का नारा लगाया, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इस्लाम से नहीं हटे। मार खाते रहे, तपती धूप पर वो तपती रेत को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करते रहे, उनकी चर्बी पिघलती रही, लेकिन इस्लाम से नहीं पलटे। तो वो जानते थे कि इस्लाम क्या है, हम क्या जाने के इस्लाम की हकीकत क्या है, हम क्या जाने कि अल्लाह रसूल को राजी करना क्या है। अल्लाह रसूल को राजी करना ये हमारा मकसद होना चाहिए, वो मकसद हमारा नहीं है। पर हाल ये मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब जंगे बद्र खत्म हो गई, मदीने में जा रहे हैं, मदीने में जा रहे हैं, तो मुसाब इब्न उमैर ने देखा एक अंसारी सहाबी उनके भाई अबू उज़ैर की रस्सियां हाथ ऐसे बांध रहे। तो मुसाब ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई, ए मेरे भाई थोड़ा मजबूत बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, जरा मजबूत बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है ना, इससे बहुत माल मिलेगा, थोड़ा मजबूत बांध। तो अबू उज़ैर कहते हैं मैंने जब ये सुना है तो मैं दंग रह गया, मेरा भाई होकर उसको कहता है कि भाई मजबूत बांध। मैंने कहा ए मुसाब तू मेरा भाई है, तुझे तो यूं बोलना चाहिए कि थोड़ा ढीला, मेरा भाई है थोड़ा ढीला बांधना, ये बोलना चाहिए। हज़रत मुसाब कहते तू मेरा भाई नहीं, कि अंसारी मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं, इसलिए कि जो मोमिन हो वो मेरा भाई, जो मोमिन नहीं वो मेरा भाई नहीं हो सकता, है ना। ये है इस्लाम। अल्लाह के रसूल ने दोनों यानी कि कम्युनिटियों को जितने अलग अलग थे सबको एक किया। अब अल्लाह के रसूल ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। जितने मुसलमान सब बराबर हैं, जितने मुसलमान सब बराबर हैं, हर एक का एहतराम है, हर एक की इज्जत है। तुम मुसलमान की इज्जत और तासीम करोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। नारे रिसालत सुभानअल्लाह, दीन अल्लाह के रसूल फरमाता दीन दीनुन नसीहा, दीन नसीहत है, खैर ख्वाही है ना। इस हदीस पर एक बड़ा मशहूर वाकया है, हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, बुखारी शरीफ की रिवायत, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ, इस्लाम कबूल किया, तो सरकार ने फरमाया जरीर बैत कर, मैंने बैत की। तो सरकार ने किस बात पर बैत ली, कहते इस बात पर कि जरीर इस्लाम पर कायम रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, और सुन हर मुसलमान की खैर ख्वाही चाहेगा, हर मुसलमान की भलाई चाहेगा, मैंने बैत कर ली। तो अब जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, फिर एक वाकया ये पेश आया है,
جریر بن عبداللہ کے ساتھ آپ نے اپنے غلام کو حضور کی زندگی کے بعد کا واقعہ, حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے غلام کو بھیجا, کہاں بھیجا؟ بازار, کہ جاؤ غلام ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گھوڑا خریدنے پہنچے ہیں اور جب گھوڑا خریدنے پہنچے جا کر دیکھا ایک زوردار گھوڑا تھا. کتنے میں دینا ہے؟ کہا 100 درہم میں. کہا ٹھیک ہے لاؤ. بڑا سستے میں مل گیا, لے کر آ گئے. حضرت جریر سے کہا کہ 100 درہم, یہ اس کا مالک ہے, اس کو 100 درہم دے دیجیے, اس کی قیمت ہے. حضرت جریر نے گھوڑا دیکھا, کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ کہاں میرا گھوڑا, یہ 100 کا نہیں ہے, تھوڑا زیادہ کا ہے, زیادہ کا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو 200 دے دو. کہ 200 کا نہیں, اس سے زیادہ کا ہے. 300, یعنی اس سے زیادہ کا. کہتے ہیں بڑھاتے گئے. وہ گھوڑے کا مالک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اتنے دے دو, ٹھیک ہے اتنے دے دو. یہ کہہ رہے نہیں نہیں اس سے زیادہ کا. 800 درہم میں خریدا. 800, ہم کیا کریں گے؟ جتنے کی چیز ہوگی ہم تو کم ہی کروائیں گے. بھائی نہیں نہیں کم ہے کم. وہ کیا کہہ رہا ہے, اتنے میں تو مجھے نہیں آتا ہے, میرے گھر نہیں آتا, یہ نہیں آتا, اس کی اتنی قیمت نہیں. نہیں نہیں تجھے دینا, ہم تو یہی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہاں قیمت بڑھائی جا رہی ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ گھوڑا بیچنے والا وہ گھوڑوں سے انجان ہے, اسے نہیں پتا کہ کس گھوڑے کی کتنی قیمت. اور میں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلمان کی بھلائی چاہوں گا. اگر اس کے 800 کا گھوڑا 100 میں لے لیتا تو مسلمان کا نقصان. میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کا نقصان ہو جائے. تو 800 میں خریدا, 800 دے کر. اب لوگ آئے, ہمارے جیسے ہوشیار لوگ بھی آس پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. آ کر کہا جریر بے وقوف ہو. کہا کیوں, کیا ہوا؟ ارے وہ 100 میں دے رہا تھا, کیا ضرورت تھی 800 تک لے جانے کی؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہر مسلمان کی بھلائی کی بیعت کی ہے, اس لیے میں نے اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کی ہے. آج یہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے, یہ جذبہ موجود نہیں. ہم بھلائی چاہتے نہیں, ہم تو ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں. ایک نے دکان لگائی, یہ بہت اچھی چلتی ہے, وہی دکان لے کر ہم کھڑے ہو گئے. اسی کے سامنے یا پڑوس میں ایک چکن کی لاری لے کر کھڑا ہوا یا سموسے رمضان میں بیچنا شروع کیا. ایک بندے نے دیکھا, اوہ ہو اس کے سموسے تو بہت بکتے ہیں, بہت بکتے ہیں. دوسرے دن سے ہم شروع, تو جب دونوں کے بک رہے ہیں تو تیسرا بھی کھڑا ہوا. جب دونوں کے بک رہے تو میرے بھی بکیں گے. تو ہم وہ تین, اب یہ تین سموسے والے ہیں. پھر دھیرے دھیرے دونوں تینوں کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا. اس لیے کہ روزانہ تھوڑی بندہ سموسے کھاتا ہے, کبھی بھجیے, کبھی وڑے, کبھی کیا کیا کھاتا ہے. ہاں تو روزانہ سموسے, تو پھر دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی زیادہ آتا ہے, کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تین تین ریس میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سستے میں مل جاتے ہیں, ہاں ریس میں سستا ہو جاتا ہے سامان, وہ فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ تو نہیں سوچا. بغداد میں بڑا مشہور واقعہ ہے. بغداد میں ایک بندہ انگریز آیا, اس نے سنا تھا کہ اس یعنی اسلامی مرکز جو نا وہ بغداد ہے, اور اسلامی حکومت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور پھیلتے ہی جا رہی ہے. کہ راز کیا ہے اسلام کے پھیلنے کا, راز کیا؟ اور پھر یہ کہ عیسائیوں کے ملک میں جاتے ہیں اور یہ جھنڈا گاڑتے ہیں کہ بھائی آج سے یہ ملک اسلامی. اس کے باوجود وہاں کے عیسائی جو نا وہ جب یہ جا رہے ہوتے تو رو رہے تھے, بھائی تم کیوں جا رہے ہو چھوڑ کر, بھائی تم رہو, تم کیوں جا رہے ہو. ہم مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے ایک شہر فتح کیا, وہاں عیسائی رہتے تھے, شہر فتح ہو گیا, وہاں رہنے لگے, نظام قائم کیا. پھر ضرورت پیش آئی, یہاں سپاہی بڑے بیمار ہو رہے تھے, اب وہ ہمارا اسلحہ بیمار ہو رہے تھے, کہ لشکر کو شفٹ کرو. کوفہ بسایا گیا اور کوفہ لایا گیا. جب سارے جا رہے تھے تو سعد بن ابی وقاص نے جتنا ٹیکس وصول کیا تھا سارا ٹیکس واپس کر دیا. واپس لو بھائی, ہر کوئی اپنا ٹیکس واپس لے جائے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ٹیکس لیا تھا اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, ہم جا رہے ہیں حفاظت نہیں کر سکتے تو ٹیکس کی قیمت واپس دے کر جا رہے ہیں, واپس دے کر جا رہے ہیں. وہ شہر کے دروازے تک چھوڑنے آئے, ہر شہری کی آنکھوں میں, عیسائی شہریوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہہ رہے تھے چھوڑ کر مت جاؤ, اگر بیماری ہے یہ چلی جائے تو واپس آ جانا, ہم تمہارے سوا کسی اور حاکم کو نہیں چاہتے. یہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی. آج کتنے ہیں کہ جو ہمارے بغل میں بیٹھنا پسند کریں. ہمارے اخلاق تو ویسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہماری دوستی کو ترس جائیں. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہماری دوستی کو ترسے, ہے نا. مسلمان تو ہمارا دوست ہوگی, دوست کیا, وہ تو بھائی ہو. کہ سرکار نے فرمایا ہر مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, پورا اسلامی معاشرہ ایک جسم کی طرح. اگر انگوٹھا کٹ جائے نا تو آ کر کے پوری ہمیں پوری باڈی میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر ہمیں کہیں پر بخار آ جائے,
बुखार आ जाए तो बुखार में टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन पूरी बॉडी बेचैन है, आराम नहीं है। सरकार फरमाते यही हाल मुसलमान का होना चाहिए, एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरा तड़प जाए तब जाकर वो मुसलमान है। अगर एक मुसलमान की तकलीफ दूसरा अपने दिल में महसूस नहीं करता तो फिर वो कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। तो अब हते यहां हते साल कभी वकास चले गए, छोड़ दिया, तो ऐसी हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये अंग्रेज आया, देखें इस्लाम का राज क्या है, मुसलमान फैलते जा रहे हैं और लोग जहां जाते हैं लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी हुकूमत को पसंद करते हैं। राज क्या है, पहुंच गया बगदाद, एक होटल में गया, खाना खाया, दोपहर का टाइम था, खाना खाया, खाना खाकर काउंटर पर पहुंचा, भाई मेरा बिल, उसने कहा कि भाई तो आपका बिल अदा हो चुका है, आप जाएं, अदा हो गया। उसने कहा लेकिन किसने दिया, कहा वो भाई है ना उसने दे दिया बंदा, लेकिन वो मुझे पहचानता नहीं, कैसे बिल दिया, दे दिया भाई, हो गया जाओ। वो वहाँ पहुँचा, भाई आप तो मुझे पहचानते नहीं हो, जानते हो मुझे, कह ना मैं आपको जानता हूँ, कह नहीं, तो बिल क्यों दिया, कह इसलिए कि आप मुझे अजनबी लगे, मुसाफिर हो, और हमारे मुल्क में हमारे शहर में कोई मेहमान आए और उसे अपनी जेब से पैसा निकालना पड़े, ये हमारी मेहमान नवाजी के खिलाफ है। हमारा हाल क्या हो गया, मुसलमान का हाल, हमारा हाल क्या है, हमारा हाल हमारे घर मेहमान आए तो देखे हमारा हाल क्या होता है, और मर्दों का तो ठीक, औरतों का हाल देखें, किचन में बर्तन के धड़ाधड़ हो रही होती है, इधर बर्तन गिरे, मेहमान भी समझ जाता है कि मेरी खैर नहीं है, है ना। घर वाले का तो हाल खराब, घर वाला भी कांप रहा बेचारा, ये मेहमान है तब तक खामोशी है, ये तूफान से आने के पहले का सन्नाटा है, जैसे ही मेहमान जाएगा ये तूफान आने वाला है, है ना। हाँ तो आप तो वो एक क्लिप देखी होगी, आप एक बंदा शादी करने वाला था, है ना, शादी करने वाला था, तो उसने अपने दोस्त ने कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ, यार बहुत खुश था, मैं शादी करने वाला हूँ, कहा अच्छा लेकिन एक मिनट मैं चल मेरे साथ चल, कहा कहाँ, अरे तू चल ना, अपने घर ले गया, डोरबेल बजाई, दरवाज़ा उसकी बीवी ने खोला, उसने कहा ये मेरा दोस्त है, ये मेहमान बनकर आया है, है ना, दो दिन हमारे घर रहेगा, है ना, खाना वाना तैयार करना, तो शुरू हो गई मेहमान के सामने ही शुरू हो गई, है ना, तुम्हें समझ नहीं आता इतना सारा काम होता है, ये वो मेहमान लेकर आ जाता तो खाना बना, ये वो उसने इतने यानी इतना बोली कि वो कहता मैं नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, भाग गया। ये हाल हमारे घरों का है कि हमारी औरतें, भाई मेहमान आता है तो अपना रिस्क अपने साथ, आपकी जेब से नहीं जाने वाला, वो अपना रिस्क लेकर आया है, वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है, और जब जाता है तो घर की बलाएं साथ ले जाता है, किसी तावीज की जरूरत नहीं, मेहमान खिलाते रहो बलाएं चलती रहेगी, लेकिन कोई खिलाने वाला तो हो, कोई खिलाने वाला तो, हज़रत इब्राहिम थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी मेहमान के बगैर एक वक्त का खाना नहीं खाया, जब तक मेहमान ना आए हफ्ता हफ्ता खाना नहीं खाते थे, है ना। और यहाँ हाल ये है, मेहमान आ जाए तो हमारी शामत आ जाती है, हमारे मुंह बिगड़ जाएं, हमें अपने आप को भी अपने घर की औरतों को भी समझाने की जरूरत है, ये मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और जाता है तो घर की बलाएं लेकर जाता है, क्या जरूरत, हम कितने सुकून में आ जाएंगे, किसी को कोई आसेब नहीं, कोई असर नहीं, कहीं मजार पर भटकने की जरूरत नहीं, मेहमान खिलाते जाओ अल्लाह बलाएं टालता जाएगा। नमाजें भी पढ़नी है, पांच वक्त की नमाजें भी पढ़नी है ना, एक दूसरे को सलाम करना है ना, रिश्तेदारी निभाना, ये सारे काम अल्लाह के रसूल ने ऐसे छोटे छोटे काम दिए हैं जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए। बहरहाल अब वो अंग्रेज आया, वो आखिरी हदीस में सुनाकर खत्म करूंगा, वो अंग्रेज आया और आकर इसने बिल देखा था, हो गया, अब ये यानी कि एक मुतासिर हुआ ना, यार ऐसे अखलाक हैं मुसलमान के, जान पहचान नहीं लेकिन मेहमान मुसाफिर अजनबी था तो खाने का बिल दे दिया, कि तू पैसा देगा मैं देता हूँ, तू मेहमान है मेरा। हाँ अभी आगे गया, फिर से कोई चीज़ खरीदनी थी, एक दुकान पर पहुंच गया, भाई ये चीज़ ये चाहिए कितने की, उसने कहा देखो ये इतने की है और मेरे पास है भी, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे, आपको तकलीफ ना हो तो आप एक काम करेंगे, कहा बोलो, उस सामने वाली दुकान से ले लो ना यही चीज़, कहा क्यों, पैसे ही वहाँ से ले लो, यही चीज़ है, इतनी रुपये में है, यही कीमत है, लेकिन वहाँ से ले लो, तुम्हें नहीं बेचनी, नहीं नहीं मुझे नहीं बेचनी, आप वहाँ से ले लो,
बंदा वहां गया अंग्रेज, जाकर वो सामान खरीदा, उतने ही रुपए का था, वैसे ही बिल्कुल प्योर वैसे ही सामान था, ले लिया, लेकिन दिल में बेकरारी थी, भाई उसने क्यों नहीं दिया, सामान तो वहां भी था, सामने की दुकान पर क्यों भेजा, वो वापस पलट कर इधर आया, भाई मैंने ले लिया, तूने कहा तो मैंने ले लिया, ठीक है, लेकिन अब तो बता कि तूने नहीं बेचा उसके पास क्यों भेजा। क्या भाई बात यह है कि सुबह से मेरे पास तो काफी ग्राहकी आई है, आज दिन भर मेरे मेरा और मेरे घर वालों का हो जाए खर्च, इतना तो मैंने कमा लिया, लेकिन मैंने सुबह से देखा उसके यहां कोई गया नहीं है, उसके भी तो घर वाले हैं, उसके खर्च के घर वालों का खर्च कैसे चलेगा, तो मैंने सोचा उसका भी इंतजाम कर दूं, उसका भी इंतजाम हो जाए, जहां मेरे घर वाले खाएं तो इसके भी तो घर वाले खा लें, इसके घर वाले भी खा लें, इसलिए मैंने वहां भेजा था, वरना कोई और बात नहीं थी। वो अंग्रेज बस ये वाक्य देखकर इंग्लैंड लौट गया, ये कहता हुआ कि मुसलमानों को पूरी दुनिया फतह करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर हमने अपने अखलाक छोड़े हैं, और जब हमने अपने अखलाक छोड़े तो फिर हम जलील व खार हो रहे हैं, हम जलील व खार हो रहे हैं, है ना। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बे इक्तदार अपनी, वो मोअज्जज थे जमाने में साहिब इमा होकर, हम खार हुए तारीख कुरान होकर, हमने कुरान छोड़ दिया, ये रखे हुए हैं, हो सकता है एक आध बूढ़ा आदमी तिलावत करता हो, वरना हमें रमजान ही में कुरान याद आता है, हमने कभी सोचा ये मेरे रब का पैगाम है, रब का पैगाम लाओ ना, मेरा रब मुझसे क्या कहता पढ़कर तो देखूं उसमें बातें क्या हैं, अगर नहीं आता कोई तफसीर बयान करता उसकी तफसीर तो सुनकर देखूं। अच्छा फिर आजकल मामला ऐसा है, बात ये हो यानी निकली है कि भाई इंटरनेट का जमाना है, और जब इंटरनेट का जमाना है तो ये मौलवियों की क्या जरूरत है, हम यूट्यूब से जब देख लेंगे जो भी होगा हम देख लेंगे, यूट्यूब में यूट्यूब खोला शुरू नहीं, हर चीज यूट्यूब पर या गूगल, गूगल बाबा बड़े माहिर हैं, हाँ जैसे ही सर्च करो फौरन सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो ओलमा जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो गूगल बाबा या वो यूट्यूब वो रहने दें ओलमा के लिए, वो देखेंगे सोचेंगे बात करेंगे, लेकिन आप अगर लेकर बैठ गए तो पता नहीं कैसे कैसे लोग उस पर मौजूद हैं, आपका ईमान ले जाएंगे, शहद दिखाएं जहर खिलाए, ऐसे लोग मौजूद है ना, वो तो आप तो बुखारी बुखारी की हदीस सुनाकर बोल रहा था, आपने बुखारी का नाम सुना, आप कभी बुखारी पढ़कर तो देखें, ओलमा जानते बुखारी में क्या है और क्या नहीं है, बुखारी का नाम ले लिया, बुखारी में बहुत सी हदीसें हैं, हर हदीस पर उसको अमल करवा दिया जाए तो उसका भी पसीना निकल आएगा, सही बात है, मतलब तो पसीना का पता नहीं कहां का गीला हो जाएगा, है ना। हाँ ये बात ये है, बुखारी सिर्फ बुखारी बुखारी नहीं, अल्लाह के रसूल की बहुत सी हदीसें हैं, सरकार ने कभी कोई अमल किया कभी कोई अमल किया, दोनों अमल बुखारी में, दोनों अमल हैं। आप हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी में एक ही पेज पर एक के बाद दूसरी दो हदीसें ऐसी मिली हुई मौजूद अनस इब्ने मालिक की, आप उसे उठाकर देखें, इधर हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र में रुकू के बाद कुनूत पढ़ा, रुकू के बाद कुनूत पढ़ा, और यहां फरमाते हैं सरकार ने रुकू से पहले पढ़ा, दोनों हदीस ऐसी मिली हुई है, बताओ किस पर अमल करोगे, रुकू के बाद दुआ कुनूत पढ़ोगे कि रुकू से पहले पढ़ोगे, भैया तुम्हारा काम ही नहीं है, जिसका काम है उसके लिए छोड़ दो, जिसका काम है उसके लिए छोड़ दो, तुम्हें वो काम करना। आप सोचें हम तो इतने प्यारे मजहब के मानने वाले ना, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोगों का क्या होता है तीन तलाक दे दी उसके बाद उन्हें अहले हदीस और वहाबी मौलवी याद आते हैं, क्यों, अभी तक तो हनफी थे, अभी तक हाथियां बांध रहे थे, लेकिन जैसे ही तीन तलाक दी अब यहां इमाम साहब के पास नहीं, अब यहां सुन्नी आलिम और मुफ्ती के पास नहीं, इससे कि ये तो कहेगा गई तेरी बीवी गई तेरी बीवी गई, तो निकालो उस मौलवी को कि जो कहेगा तीन बोलो तब भी एक ही होती है, तेरी बीवी नहीं गई, एक साथ तीन बोल दो तब भी तीन तलाक नहीं हुई, तो ऐसे मौलवी को ढूंढ निकालेंगे वहां भी, और वहां से फतवा लिखवा कर लाएंगे, नहीं नहीं मैंने पूछा है नहीं होती, ला बता नहीं मैंने पूछ लिया है नहीं होती है नहीं होती, एक आलिम से पूछा था, कौन था वो एक से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया नहीं होती, तो बता तो सही कौन है वो, है ना, क्यों भाई आप तो इतने आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने वो काम ऐसा किया है तो सजा अल्लाह ने दी है,
قرآن میں سزا دی ہے، اس سزا کو مت بھولو، اللہ نے قرآن میں یہ سزا متعین فرمائی۔ بہرحال تو بات اتنی سی ہے، بات صرف اتنی سی کہ ہمیں علماء کا دامن تھامے رکھنا ہے، اور جو یہ سمجھاتے ہیں جیسا سمجھاتے ہیں ویسا چلنا ہے، آپس میں امت کے اختلاف و انتشار سے بچنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں سے دور رہے، آپس میں ہمیں شیر و شکر، دودھ میں شکر مل جاتی ہے، ایسے ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، افشو السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام، سرکار فرماتے ہیں سلام عام کرو، ہر ایک کو پہچانو نہ پہچانو سلام کرو، اور اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ سرکار فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے رشتہ رکھے تم اسے رکھو، نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جسے جو تم سے توڑتا ہو تم اسے جوڑو، تم اسے جوڑتے جاؤ جوڑتے جاؤ، وہ تو تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا ہے، چل نکل تب بھی ہو، کیسے ہو، خیریت ہے، اور آپ میٹھے ہی بنے جا رہے ہو، میٹھے ہی بنے جا رہے ہو، وہ آپ کو بھگاتا جا رہا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اب وہ نہیں سلام کا جواب دیتا میں کیوں کروں، نہیں آپ بھاگے جا رہے ہیں، اس کو ملاتے جا رہے ہیں۔ ہاں وصلوا الارحام ہے نا، رشتہ داریاں جوڑو، واطعموا الطعام لوگوں کو کھلاؤ کھلاؤ جتنا ہو سکے، جو ہو سکے آپ کی استطاعت کے مطابق کھلاؤ، کہ کھلانے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ پھر سرکار نے ایک اور فرمایا، وصلوا باللیل، اور رات میں نمازیں ادا کرو، ورنہ سنیام، جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہیں تم نمازیں ادا کرو، وتدخلوا آمنین وتدخلوا الجنۃ بسلام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اتنے آسان نسخہ دے دیا، عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی اور اسلامی اخوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام آفات و بلیات و مصیبت و پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو آپس میں متحد اور متفق فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دین و دنیا کی تمام مرادیں پوری فرمائے، ہمیں تمام نیکیوں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول